नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अभी तो सांसद देख रहे हैं, और जब प्रचंड रूप देखेंगे तब कौन खड़ा है? ये तो पीएम ही है फिर। तो वो प्रचंड रूप अभी हिलेगा 1 तारीख को ना। तो कोई आप अच्छा कार्य करते हैं ना तो आपके आलोचक भी उठते हैं, है ना? लोकतंत्र के आलोचक सही भी है ना। अगर नहीं रहेंगे तो अच्छा मजा नहीं आएगा फिर। सब मीठा मीठा है सर, मीठा कौन खाता है, थोड़ा तीखा तो होना चाहिए जी। है तो गारंटी है, लोगों का उन पर विश्वास है। दुर्भाग्य की बात होगी बनारस के लिए, जो उनको वोट ना दे और उनको सपोर्ट ना करे, ये दुर्भाग्य की बात होगी। जमानत पे आए ना तो करने का गए थे आप? बहुत देवी देवता है तो क्या करने गए थे? उनको नहीं ना खरीद लिया, ईडी खरीद लिए, सीबीआई खरीद लिए, और उसके बाद भी न्यायालय भी खरीद लिए, तब कहे जी रहे हो? यहाँ मत जियो तुम लोग। ताड़ से के मंदिर बनवाइए ना, जब इतना स्कूल भी बनवा सकते हैं तो जानबे करते हैं बीजेपी मंदिर से जीत रहे हैं। आप भी बना दीजिए एक मंदिर, क्या दिक्कत है, आप भी जीतिए। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों 6 चरण का चुनाव हिंदुस्तान में खत्म हो चुका है, 7वें चरण का चुनाव बाकी है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बिल्ली की मुंह निकल गई है, बस पूंछ बाकी है एक तरीके से कहा जाए तो। 1 चरण का चुनाव बाकी है जिसमें बनारस लोकसभा क्षेत्र भी आने वाला है, और बनारस का नाम सुनते ही दिमाग में आता है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र। लोगों से जानने आए कि आखिर यहाँ पर लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे, क्या मुद्दे होंगे और क्या बदलाव देखती है जनता इस संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री के कार्यकाल को लेकर के। एक आरोप ये भी लगता है कि मोदी जी आएंगे 400 पार लेकर के तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण को बदल देंगे, और एक तरीके से कहा जाए तो डिक्टेटरशिप आ गया है देश भर में। लोगों से पूछ लेते हैं क्या मोदी जी तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं, या जिस तरीके से लोकतंत्र को चलाना चाहिए चला रहे हैं अच्छे तरीके से? और फिर से जो नारा लग रहा है अब की बार 400 पार का नारा, जो सक्सेस होगा या नहीं होगा ये जनता बताएगी। तो चलिए लोगों से बात करने का सिलसिला शुरू करते हैं और पूछते हैं कि आखिर किस मुद्दे पर बनारस की जनता वोट करेगी और वोट क्यों करेगी, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि डिक्टेटरशिप, तो एक तरफ कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए मोदी जी 400 सीट मांग रहे हैं। तो चलिए लोगों से बात करने का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुदीप प्रताप सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बक्सर के रहने वाले हैं। बक्सर के, बनारस घूमने आए होंगे सर? क्या बदलाव नजर आता है सर बनारस में? आप पहले भी आए होंगे, अभी भी आए हैं, क्या बदलाव देखते हैं? विकास हुआ है, बहुत साफ सुथरा हो गया है, और जिससे लग रहा है कि बनारस अब एकदम पर्यटकों का एकदम स्थान केंद्र हो गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि विकास है, मोदी जी ने विकास किया और एक अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, और उनकी मौजूदगी देश में बहुत जरूरी है, और उनको नहीं, आप कह रहे हैं कि मोदी जी की मौजूदगी जरूरी है, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी बोलते हैं कि मोदी जी डिक्टेटरशिप की तरह बर्ताव कर रहे हैं, अपनी मन मर्जी से सब कुछ करते हैं, जनता से पूछते नहीं है ना, जनता का हाल चाल लेते हैं। जनता के पूछते हैं, जनता भी उनका सलाह लेते हैं, ऐसा नहीं है। राहुल जी को पता नहीं है, और मोदी जी हैं तो गारंटी है, लोगों का उन पर विश्वास है कि वो जहाँ भी हिंदुस्तान को स्वच्छ और साफ सुथरा करेंगे और गंदे विचारधारा लोगों को किनार करेंगे। क्या अच्छा कर दिया सर? मैं जानना चाहता हूँ मोदी जी का कुछ कार्य जो आपको पसंद आए, वो बोलेंगे गारंटी है, बढ़िया कर दिया है, लोगों का विश्वास है, क्या अच्छा किया सर? वो किसानों को भी मिल रहा है, 6,000 रुपये गारंटी मिल रहा है, मुफ्त में राशन मिल रहा है, स्वास्थ्य बीमा का बढ़ गया है इन लोगों का, विकास दिखाई दे रहा है, सारा रोड रास्ता सब राइट, लाइट वाइट वगैरह सब भी तो अच्छे हो गए हैं, हर जगह के अच्छा विकास हुआ है। एक आरोप है कि मोदी जी बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये भी राहुल गांधी और विपक्ष के और यहाँ के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि राम मंदिर बनवा दिया तो उसके नाम पर वोट मांग रहे हो। वो लोग अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, और कभी भी मोदी जी के हमने नहीं सुना है कि वो हिंदू मुस्लिम किए हैं। वो राशन देते हैं तो मुस्लिम को भी देते हैं, जब वैक्सीन लगाए, इंजेक्शन बनाए तो मुस्लिम लोगों को भी ले दिए, ऐसा परहेज कभी नहीं किया उन्होंने। अब की बार 400 पार, आप नारा जानते होंगे, सफल होता दिख रहा है आपको? 400 करीब आ ही जाएगा, 400 करीब आएगा, 400 पार नहीं होगा, 400 करीब आ जाएगा, 400 पार में थोड़ा सा शंका है, 400 करीब आ जाएगा। शंका क्यों सर, शंका क्यों नजर लगता है आपको, क्योंकि चुनाव से पहले तो बहुत बातें हो रही थी। कुछ लोग जातीय समीकरण पे वोट देते हैं, कुछ लोग अपने लोकल देखने के, लोकल क्षेत्र, लोकल के लिए वोट देते हैं, लेकिन विकास के नाम पर वोट जरूरी है, और नाम पर मोदी जी को जज जरूरी है ना, बिल्कुल चुनेंगे। और ये दुर्भाग्य की बात होगी बनारस के लिए, जो उनको वोट ना दे और उनको सपोर्ट ना करे, ये दुर्भाग्य की बात होगी बनारस की जनता के लिए। एक और आरोप है कि मोदी जी आए तो संविधान को ख़त्म कर देंगे, आरक्षण को बदल देंगे, ख़त्म कर देंगे,
ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा होने से पहले उसका एक नियम कानून होता है, ऐसा थोड़ा नहीं कि आएंगे बदल देंगे, उसका एक व्यवस्था होता है। तो वो ऐसा थोड़ा नहीं, आज के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सब लोग बेवकूफ़ है, जानते हैं कि आएंगे बदल देंगे, उसका एक नियम कानून होता है, उसके तहत होता है बस। कितने लोग डाइवर्ट होंगे हिंदी पे नाम पे, ये भी तो बात बनती है। और रहा स्कूलों का, तो दिल्ली में 47 स्कूल हैं, दिल्ली में कुल 47 स्कूल थे जिन्होंने वो किया है। और ठीक है, जो रिजल्ट दिखा रहे हैं ना, 9th क्लास में बच्चों को रोक देते हैं कि आगे बच्चे वही जाएंगे जो 9 एबव के लाएंगे, है ना, 90 एबव लाएंगे वही जाएंगे, तो बहुत अच्छा है ना, 90 एबव लाएँ और उसके बाद हम 10th में उनको डाइवर्ट करें जो 90 एबव लेके आएंगे, और फिर उसके बाद अच्छा रिजल्ट घोषित कर देंगे। 99 लाइए ना, फिर आप लड़कों का भी नंबर दिखाइए, यहाँ मेरे 100 एक स्कूल से कम से कम 100 बच्चे गए। रेशियो बनाना चाहिए ना, आप तो हमें सिर्फ रिजल्ट दिखा रहे हैं, क्या छप्पड़ फाड़ के मतलब बेकू बनाने वाला काम है ना। और फिर अगर ठीक है, मैं कहता हूँ ना, आप सबकी बात छोड़िए, मान लीजिए आपका केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, तो न्यायालय किसी का नहीं है ना, उसको भी खरीद लिए हैं मोदी जी, नहीं खरीदे, काहे अंदर गए थे, क्या करने गए थे, जमानत पे आए ना, तो करने का गए थे, आप बहुत देवी देवता है तो क्या करने गए थे, उनको नहीं ना खरीद लिया, ईडी खरीद लिए, सीबीआई खरीद लिए, और उसके बाद भी न्यायालय भी खरीद लिए, तब कहाँ जी रहे हो, यहाँ मत जियो तुम लोग, नहीं रहना चाहिए ना आपको, तो किसी पे फैत करना पड़ेगा ना सर। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं सब जगह, और रहा स्कूलों का, तो सर स्कूल और रोड, जैसे रोड दिख रहे हैं वैसे स्कूल भी दिखेंगे, लेकिन समय लगता है। बनारस के रहने वाले, तो बिल्कुल सर, बदलाव या रिपीट, बदलाव नहीं, अभी नहीं, नेतृत्व जो कर रहा है ना वो अच्छा है। सांसद की बात करो, दिल्ली मत जाइए। मेरा सांसद ही बहुत अच्छा है, मेरा सांसद भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए कहता हूँ उनको लिए इसलिए अच्छे हैं, क्योंकि हम अभी आप लोग जो बैठ के यहाँ पर आराम से सांसें ले रहे हैं, और जो तमाम भीड़ है यहाँ पे, जो आप लोग यहाँ अच्छे से रह रहे हैं, सेफ्टी महसूस कर रहे हैं, और जो आप लोग इतनी सेफ्टली अपनी बहनों को, बेटियों को और माँ को, सबको ला के हम लोग बैठाते हैं, ले जाते हैं, जिन सड़कों से आप आ रहे हैं 10 मिनट का रास्ता तय करते हैं, जिन पुलों से आप उतर जाते हैं, वो और किसी की देन नहीं है सर, मेरे सांसद की ही देन है। जो पहले ट्रैफिक जाम का समस्या, फिर एक कूड़े का अंबार वाला समस्या, मैं दो तीन चीज़ें बता रहा हूँ, कूड़े वाला था, ट्रैफिक वाला था, फिर थोड़ा बहुत सेफ्टी का भी लेकर लोगों के मन में था, कंसर्न रहता था कि जाओ कुछ हो गया, चोरी चकारी या कुछ भी एक्स्ट्रा। तो सर चीज़ें बिगड़ती हैं तो बनने में टाइम लगती है, आप समय दीजिए, ठीक है, अगर नहीं कोविड रहता ना तो थोड़ा सवाल भी आपका अच्छा लगता है ना, आप कोविड से नहीं दिए रहते तो थोड़ा सवाल भी अच्छा लगता है कि सर ने किया क्या, आपका राशन तक आपको दे रहे हैं, बैठा के खिला रहे हैं, है ना, मत लीजिए ना, कहाँ लेते हैं, जिस मुँह से आप कहते हैं उसी मुँह से आप उठाते भी हैं, कहाँ लेते हैं, ये तो बात है, जो लेते हैं वो फिर कहते हैं कि फिर हाँ चाहिए चाहिए नहीं, हाँ राशन पूरा उठाते हैं, कहाँ लेते हैं, नहीं लेना चाहिए ना, हाँ सिलेंडर करिए आप, आप तो उसका मौका भी नहीं छोड़ते कि अगर किसान वाला आए तो भी नहीं छोड़ते हैं, कहे छोड़ देते हैं सर। अभी आपका मौका सर ने दिया नहीं, आपके सभी छतों पे आपके सौर ऊर्जा लगनी शुरू हो गई, कहाँ लेते हैं सर, नहीं लेना चाहिए। ये तो बात है, लेकिन एक वो है ना कि अभी कुछ वो लड़का बता रहे थे, ईशान जो नाम था उसका, कि हिंदू मुस्लिम पर आ जाते हैं, मोदी 2014 में भी वही करते थे, जब गुजरात से चलकर दिल्ली आए थे तो वही करते थे, और अभी राम मंदिर बना करके भी वही कर रहे हैं। नहीं, नहीं। और एक बात और बोला कि हम हिंदू हैं तो थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट चला जाता है वहाँ पे, कि आखिर किया है तो देना पड़ेगा, इस तरीके का, ये कहाँ से आता है चीज़? नहीं नहीं, आप ये बताइए, हिंदू मुस्लिम नहीं, ये बताइए गलत किया क्या, आतिक अहमद को जेल में डालकर, मुख्तार अंसारी को जेल में, गलत किया क्या, गलत किया, उनका दोष है क्या कि वो मुस्लिम है, मोदी जी का दोष है, विकास दुबे पे होना चाहिए ना, घुस के मारा था ना गोली, गोली नहीं ना मारा गया, घुस के मारे थे अंदर, तो हाँ कानून पे बात आएगी तो हिंदू मुस्लिम नहीं है। अब रहा आपकी जाति पे, हमें बयान बोल रहे थे कि भाषण देते हैं कि गहना हो जाएगा, फिर आप वोट नहीं दोगे तो पाकिस्तान चले जाए, कुछ इस तरीके का बयान बता रहे थे, अभी याद नहीं आ रहा सही से, राम मंदिर को लेकर ही बोल रहे थे सर। देखिए, जब मेन बात यह है ना कि देखिए, कुल मिला के बात यह है कि जब कोई आप अच्छा कार्य करते हैं ना तो आपके आलोचक भी उठते हैं, है ना, लोकतंत्र के आलोचक सही भी है ना, अगर नहीं रहेंगे तो अच्छा मजा नहीं आएगा मेरा, सब मीठा मीठा सर, मीठा कौन खाता है, थोड़ा तीखा तो होना चाहिए, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ,
22 से लेकर 24 तक के मोदी जी कुछ ऐसी योजनाएं बताइए जो है कि जनता को मिला होगा प्रॉपर, उसका लाभ जनता ले रही है और आप भी हैं उस जनते में शामिल। अरे सर, हम लोग तो सबसे ज़्यादा लाभ, हम लोग को सबसे अच्छा सुविधा हम लोग को ये सड़क की हुई, इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे हम लोग, बहुत ज़्यादा परेशान। पुल बहुत, हाँ ये सारी चीज़ें हुई। मंदिर जिसमें हम लोग आने के लिए पहले, पूछ लूँ मंदिर से रोजगार कैसे मिलेगा? ठीक है, ये मैं अच्छा क्वेश्चन है आपका। रोजगार सर मंदिर नहीं देगा, है ना, लेकिन आस्थाएं भी मंदिर रहती हैं। अगर अगर जब इंसान सब जगह से टूटता है ना तो मंदिर पहुंचता है ना, और उसको जो शक्ति वहां से मिल रही है ना वो कहीं से नहीं मिलती है। ठीक है, एक युवा को जब घर परिवार किसी से जो बातें नहीं कर पाता, एक वहां जाता है। और रही रोजगार की बात, तो रोजगार सर एक मंदिर नहीं देता है, आपका शिक्षा डिपेंड करती है। जब आप शिक्षित हो जाते हैं तो अपने देश को भी छोड़ देते हैं आप, है ना, आप यूँ से चले जाते हैं, है ना, चले जाते हैं। नहीं, मोदी जी पर भी आरोप है कि शिक्षा पर कुछ काम ही नहीं किया उन्होंने। सर शिक्षा पे मतलब अब क्या आप चाहते क्या है? कुबेर पानी दे रहे हाँ, कुबेर का तो खजाना है नहीं, नहीं है। लिमिट पैसा है, लिमिट पैसा है ना, आप तो टैक्स भी जोड़ते हैं। अरे मोदी GST लगा दिए, खाने पे भी ले लेते हैं सब पर लेते हैं, लेकिन आप ही नहीं सोचते हैं कि कैसे संभाल रहे हैं है? एक बड़ा सदस्य, घर का बड़ा सदस्य ही जानता है कि घर को कैसे संभालना है ना, और उस परिवार को कैसे संभालना है। और पड़ोसी तो हमेशा आलोचक रहते हैं, पड़ोसी पड़ोसी कौन हो सकता है। एक और सवाल है मेरा, जो एक नारा दिया जा रहा है, राहुल गांधी बोल रहे थे कि अब की इसलिए वो 400 मांग रहे हैं कि देश से संविधान खत्म करना चाहते हैं और लोकतंत्र को मिटाना चाहते हैं, ये डिक्टेटरशिप की तरह बर्ताव करना चाहते हैं और अपने मन मर्जी के हिसाब से सरकार को चलाना चाहते हैं, आपकी क्या राय है इस पर? सर मैं राहुल जी को बस एक मतलब चाहता हूँ कि राहुल जी है ना पहले जनता में घुले मिले, पहले समझे जनता की तकलीफों को। सर यात्रा करने से नहीं होता ना, अगर आप और हम साइकिल लेके पहुँच जाएँ यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक, दिल्ली छोड़िए कन्याकुमारी पहुँचा जाए, तो क्या हम सभी देश सभी जितने भी स्टेट पढ़ते हैं सबको जान जाएंगे क्या? क्या उनके दुख उनकी समस्याएं भी जान जाएंगे क्या? हैं, कभी प्रधानमंत्री को देखे थे आए हुए? देखे हैं, सच तो बोलना पड़ेगा सर, सच तो बोलना पड़ेगा। आपका प्रधानमंत्री आपको ना चेहरा नहीं दिखाता था, आप देख आपने कभी प्रधानमंत्री नहीं देखा था, है ना। और यहाँ तो लोग जरूरी होता है एक बार, और दूसरी चीज यहाँ तो लोग हाथ भी मिला लेते हैं, अब देखना दूर था, मिल लेते हैं योजना का नाम आता था। और जब आप कुछ नेता सामने आ जा रहा है, और सबसे अच्छी बात जब किसी भी स्टेट में जब कोई युवा अच्छा काम करता है तो मोदी जी उसको सामने से पहुंच जाते हैं मिलने के लिए, इतना टाइम नहीं रहता प्रधानमंत्री के पास, है ना। और रही वोट मांगने की और ये सब मुस्लिम हिंदू करने की, तो सर जब कुछ चीज़ें हैं अब आपके में ही क्यों निकल रही, आप ढूंढिए ना कमी, कमी आप में ढूंढ, आप हम में रहे, क्या कमी होगी मैं जानना चाहता हूँ। आप तो खैर बता रहे हैं कि मैं बीजेपी आइडियोलॉजी से फॉलो करता हूँ, क्या कमी उनकी? वो भी वही योजना 1 लाख ही जो बोल रहे हैं कि खटाखट गरीबी मिटा देंगे, फिर उस 400-500 रुपये में सिलेंडर देने के लिए बोल रहे हैं, और क्या चाहिए? 30 लाख रोजगार देंगे लोगों को, मतलब युवाओं को, तो पहले का तो पहले का नहीं देते थे पहले, अरे पहले दे देते महाराज, हम काहे को फालतू का इतना हंगामा करने जाते हैं। मोदी जी को नहीं लाना पड़ा तेरी के, मोदी जी आराम से गुजरात में चला रहे थे, सवाल बढ़िया है, पहले दे देते, पहले दे देते ना, कहा हम तो कहते केजरीवाल को ही, अरे कहाँ है आप जेल में जा रहे हैं, कहाँ करना, कौन सा अपराध कर दिए हैं, बनाइए सरकार ताड़ से मंदिर बनवाइए ना, जब इतना स्कूल ही बनवा सकते हैं, तो जानबे करते हैं बीजेपी मंदिर से जीत रहे हैं, आप भी बना दीजिए एक मंदिर, क्या दिक्कत है, आप भी जीतिए। सर मंदिर पे नहीं जीत नहीं रहे, मंदिर पे इस पे जीत रहे हैं नहीं, लेकिन अखिलेश यादव यही बोलते हैं कि उनके पास एक ही है चाबी मंदिर वाला, घुमाते रहते हैं हम कहते इतना तो पैसा आपके पास भी, एक मंदिर तो आप भी सक्षम है, हाँ, मंदिर बनवाइए बनाइए, ये नारा भी अच्छा है, मंदिर बनवाइए सरकार बनाइए, हाँ, नहीं, नहीं अच्छा है मंदिर बनाइए सरकार, नहीं हाँ उम्मीद तो है,
क्योंकि देखिए सरकार बन जाएगी 400 पार नहीं होगा, बहुत ज्यादा हो गया। लास्ट आपका वो खत्म करता हूँ यहाँ पे, एक बात बताता हूँ, जब भाइयों में ना और भाइयों में और घर के परिवारों में है ना मन मोटाव आता है ना, झगड़ा होता है तो मुंह फुलावल होता है, मुंह फुलावल समझ रहे ना, आई मीन बोल चाल गुस्सा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि बाहरी तीसरा आके भाई को मारेगा, ये नहीं होता, ये नहीं ना होता है, तो बस अंदर मोटाव है, कट्टर नहीं है भाई, सब मिले हुए हैं जी। अब वोट के दिन बताएंगे, एक तारीख को सब मिले हुए, टक्कर देंगे इनको बिल्कुल। अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे टक्कर क्या देंगे, रिजल्ट बता। चुनाव लड़ रहे सामने से हैं प्रतिद्वंदी, तो कंपटीटर के रूप में लेना चाहिए जनता कौन खड़ा है, कांग्रेस के नेता है अजय राय अध्यक्ष है दिल्ली यूपी, आपके सामने कौन खड़ा है, प्रधानमंत्री के तौर पर एक सांसद नरेंद्र मोदी खड़े हैं, अभी तो सांसद देख रहे हैं, और जब प्रचंड रूप देखेंगे तब कौन खड़ा है, तो पीएम ही है, तो वो प्रचंड रूप अभी हिलेगा 1 तारीख को ना, आएंगे एक बार जरूर आएंगे आएंगे आएंगे।